हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन में। इसमें फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू छोले की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको पूरी, पराठे, चावल किसी के भी साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 200 ग्राम छोले को ओवरनाइट भिगो कर रख दिया है। फ्रेंड्स, छोले हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अब फ्रेंड्स एक कुकर लेंगे और सभी छोले कुकर में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, छोले कुकर में डाल दिए हैं। एक गिलास पानी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, दो पिंच मीठा सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, इसको डालने से छोले हमारे अच्छे खस्ता बनते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, दो लौंग, दो से तीन काली मिर्च, दो हरी इलायची। अब फ्रेंड्स ढक्कन को बंद कर देंगे और एक सीटी लगा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीटी लगा ली है। अब ढक्कन को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, छोले हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से हमारे छोले दब रहे हैं। यानी कि सोडा डालने से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से छोले हमारे खस्ता हो जाते हैं। अब जो खड़े मसाले हमने डाले थे उनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जो खड़े मसाले हमने डाले सभी को निकाल दिया है साइड में। अब मसाला तैयार करने के लिए हमने दो प्याज को बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, 10 से 12 लहसुन की कली ली हैं, एक हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़ा को हमने कट करके लिया है, दो टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, ये खट्टे वाले टमाटर नहीं हैं फ्रेंड्स, आप इसमें जई वाले टमाटर इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इन सब का हमने पेस्ट बना के ले लिया है। ये टमाटर का बना लिया है और जो प्याज लहसुन थे उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। फ्रेंड्स, ये हमने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने छिलका निकाल लिया है। अब हाथों की सहायता से मैश करेंगे, इनको बारीक मैश नहीं करेंगे फ्रेंड्स, थोड़े मोटे टुकड़ों में ही हम रखेंगे इनको। तो फ्रेंड्स, सभी आलू को अच्छे से तोड़ कर ले लिया है। गैस पे कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें जो लहसुन प्याज का हमने पेस्ट बना कर रखा था वो डालेंगे। हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे मसाले को। तो फ्रेंड्स, मसाले का कलर गुलाबी हो गया है। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे। और मिलाते हुए फ्रेंड्स इसको आधा से 1 मिनट तक और भून लेंगे। तो मसाले को हमने आधा मिनट और भूना है। फ्रेंड्स देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो डालेंगे। फ्रेंड्स, जो मसाले हमने निकाले थे छोलों में से, वो भी हमने टमाटर के साथ पीस दिए हैं, आप उनको फेंके नहीं। अब टमाटर के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं फ्रेंड्स। नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी छोले में डाल रखा है तो नमक हम हिसाब से डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला कितने अच्छे से भून गया हमारा। अब फ्रेंड्स, इसमें 2 चम्मच हम छोले मसाले डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले, सारे एक साथ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मैश किए हुए आलू डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे आलू को भी। आधा गिलास पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे पानी को भी। अब फ्रेंड्स, छोलों को ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, छोले हमारे अच्छे से पक गए हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है छोले का, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे छोले की सब्जी बनके तैयार है, आलू छोले की। ये हमने कसूरी मेथी ली है, ऊपर से क्रश करके डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
गैस को हमने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म आलू छोले की सब्ज़ी बनके तैयार है। आप इसको पूरी, पराठे, चावल किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका थोड़ा बहुत टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं फ्रेंड्स। मिक्स कर देंगे, कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। आलू छोले की गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्व करेंगे। इसको आप पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ सर्व करें फ्रेंड्स। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरी मिर्च से गार्निशिंग करेंगे।